हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए एक ऐसा ज़बरदस्त शेयर है, एफएमसीजी सेक्टर की बात करो या फिर फूड सेक्टर की बात करो, तो भाई इस ज़बरदस्त शेयर में लगातार गिरावट का सिलसिला जारी है और इस गिरावट के सिलसिले में इस शेयर में इन्वेस्टमेंट का मौका आने वाला है, क्योंकि बहुत निचले स्तर पर पहुँच चुका है शेयर और बहुत सस्ते दामों पर मिलने लग गया है। चलिए देखते हैं कब है वो इन्वेस्टमेंट का मौका, कैसा मौका है, टेक्निकल फंडामेंटल सारे देखते हैं शेयर के इस छोटे से वीडियो में। सीधे लेके चलता हूँ मैं आपको टेक्निकल्स की तरफ। ये देखिए, बिल्कुल शेयर जो है अपना हाई यानी कि 3200-3300 का हाई बना के पहली बार इसने अपने सपोर्ट को तोड़ा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं कहूँगा कि सोचने वाली बात है, गंभीरता वाली बात है, क्योंकि शेयर बियर जोन में जा चुका है और गिरते गिरते अपने उस रेंज में आ चुका है जहाँ पे इसको खरीदारी किया जा सकता है आने वाले टाइम पे। तो खरीदारी के जो रेंज मुझे दिखती है वो 2300 से लेके 2400 की रेंज दिखती है, अभी ये 2500 के आसपास है, तो 100 रुपये के करेक्शन का आप वेट कर सकते हो और ये निचला स्तर जो है वो 2100-2200 के आसपास है। तो ये सारी रेंज है, ये तीन रेंज है, ऑल्दो ये रेंज में आ चुका है, पहली रेंज के आसपास आ चुका है 2500 की रेंज में, थोड़ा 40-50 रुपये और करेक्ट होगा तो और बढ़िया। अब आप सोचेंगे कंपनी का नाम क्या, तो पहले नाम जान लीजिए फिर काम जानेंगे। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं, टॉप का शेयर है, आपने सुना होगा ब्रिटानिया, 60,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जबरदस्त शेयर मैं कहूंगा। चाहे आप डेट की बात करो तो डेट फ्री शेयर, रिटर्न्स की बात करो तो बढ़िया रिटर्न्स, प्रोमोटर होल्डिंग की बात करोगे तो बढ़िया प्रोमोटर होल्डिंग, सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो बढ़िया सेल्स, चलिए प्रॉफिट की बात करो तो बेहतरीन प्रॉफिट। आप क्लियरली देखिए किस तरीके से ये प्रॉफिट कमाता है, तो प्रॉफिट भी बढ़िया प्रॉफिट है, तो हर तरीके से हर पैरामीटर पर खरा उतरता है ये शेयर। फिलहाल आपको मिलेगा कौड़ियों के दाम, क्योंकि स्टॉक में लगा चल रही है जबरदस्त गिरावट, गिरावट होते होते चाहे आप आईटीसी के शेयर की बात करो, ब्रिटानिया के शेयर की बात करो, सारे डाउन है। तो इस डाउन टर्न में आपको अगर खरीदारी का मौका मिलता है तो कहाँ पे खरीदारी करिए, तो मुझे ये शेयर अगर मैं क्लियरली देखूँ तो मुझे ये शेयर गिरता हुआ नजर आ रहा है और फिलहाल 2450 की रेंज में आ रहा है, तो मैं कहूँगा अभी इसकी जो ट्रेंड लाइन चल रही है लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन वो तो सजेस्ट कर रही है कि 2300 की रेंज में आने वाला है, 2300 से 5500 रुपये ऊपर, 5500 रुपये नीचे रेंज में आने वाला है, ऑल्दो ये 2500 के आसपास आ चुका है, तो मैं कहूँगा कि थोड़ा 40-50 रुपये नीचे आते ही आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और क्योंकि ये गिरता हुआ, कहते हैं ना फॉलिंग नाइफ को कभी कैच नहीं करना चाहिए, तो फॉलिंग नाइफ को अगर हम कैच नहीं करेंगे तो मेरा इसका मानना यहाँ पर रहता है कि हमें एक साथ अपनी सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लगानी नहीं चाहिए, ताकि हमें कुछ थोड़ा बहुत हमारे पास हो भी या फिर और नीचे गिरे तो हमारे पास पैसा भी हो खरीदना है, और हम अपनी इन्वेस्टमेंट जिस तरीके से मुझे यहाँ पे अगर 10 शेयर लेने हैं तो मैं यहाँ पे अभी 2 ही शेयर लूँगा, बाकी मैं नीचे का वेट करूँगा अगर नीचे जाए तो, इन दोनों ऑप्शन, क्योंकि मुझे इसका सपोर्ट और नीचे दिख रहा है, ये देखिए इन लेवल्स पे दिख रहा है और ट्रेंड लाइन के पास दिख रहा है, तो धीरे धीरे करके इसमें एंट्री बनाऊंगा और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ही इन्वेस्टमेंट में ऐसे शेयर्स में करने की सोचूंगा। तो ब्रिटानिया इंडस्ट्री आप देखिए हर तरीके से बेहतरीन स्टॉक तो है ही है, फिलहाल अगर बात करें तो जबरदस्त गिरावट की मार झेल, ये देखिए आपको 2-2-3-3% तक इसमें गिरावट आ जा रही है और शेयर बिल्कुल निचले लेवल पे है और मुझे लगता है थोड़ा सा और नीचे जाने की कोशिश जरूर करेगा। चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूं वीडियो को, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, आपकी अपनी राय स्टॉक के बारे में कमेंट के थ्रू शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं करता प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।